लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल और केवल एक है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आए, कानून के तहत जेल की सलाखों तक पहुंचाना हमारा प्राथमिक दायित्व। बेगूसराय की आपराधिक घटना लीक से हटकर एक असामान्य आपराधिक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस तरीके से कल बेगूसराय में अपराधियों ने ये बता दिया है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं, उसके बाद से जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो गई है। लगातार जो पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं इस मामले पे आनी शुरू हो गई है। बता दें कि जिस तरीके से अपराधियों ने 30 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पर फायरिंग की और इस दौरान पुलिस कर्मी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद से अब सवाल उठना लाजिमी है। आपको बता दें कि जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जो बिहार सरकार है और पुलिस प्रशासन है वो अपराध को रोकने में नाकाम है। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो जो प्रतिक्रिया आई है वो कांग्रेस की तरफ से आई, आरजेडी की तरफ से आई, जिसमें उनका कहना है कि ये सरकार के खिलाफ बीजेपी वालों ने साजिश रची है। लेकिन अब जो प्रतिक्रिया आई है वो जेडीयू कोटे से आई है। आपको बता दें कि जो जेडीयू के एमएलसी सहप्रवक्ता है नीरज कुमार, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो घटना घटी है ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए चुनौती भरा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे कार्यवाही की जा रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है जेडीयू के एमएलसी सहप्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने बयान में। बेगूसराय की आपराधिक घटना लीक से हटकर एक असामान्य आपराधिक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया है। यह दुखद है, मार्मिक है और चुनौतीपूर्ण है। स्वाभाविक है ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगा, जो उनका धर्म है, लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल और केवल एक है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आए। जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है उसको कानून के तहत जेल की सलाखों तक पहुंचाना हमारा प्राथमिक दायित्व है। तो देखा आपने कि नीरज कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद से राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई है, जो कि विपक्ष का धर्म है कि ऐसे मुद्दों को उठाए तो विपक्ष इसे उठा रहा है, लेकिन जो हमारा धर्म है वो ये है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे किया जाए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे लिए पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।